सो हे गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू फाइन। तो गाइज, मेरा नाम एमडी साजिद, आपको स्वागत करते हैं पढ़ की तरह इस बार भी अपने चैनल टेक्निकल गोल में। तो गाइज, साले बात करने वाले हाउ टू गेट मोर देन व्यूज ऑन YT शॉर्ट वीडियोस। जब हम शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं तो हमारा व्यूज ही नहीं आते, और बताते हैं लोग से कि इस तरह से आप अपलोड कीजिए, इस तरह से इस चीज़ को यूज़ कीजिए, इस चीज़ को यूज़ कीजिए, और फाइनली वहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिलता है। तो फाइनली आप उस चीज़ को अप्लाई मत कीजिए, मैं आपको जो बताने वाला हूँ उस चीज़ को आप अप्लाई कीजिए। फाइनली आपको जो कि व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएगा, जब व्यूज़ आएंगे तभी तो वायरल होगी। तो फाइनली ये तो बताने बताते कि इस तरह से आप अपलोड कर देते, लेकिन व्यूज़ का नाम ही निशान नहीं रहता। तो फाइनली जब तक आपको व्यूज़ नहीं आएंगे आपके YT स्टोरेज पे, तब तक आपको वायरल नहीं होते। तो फाइनली मैं आपको बताऊंगा, तीन तरीके बताऊंगा जिसको आपको अपने वीडियोज़ में अप्लाई करना है, जिसको आप अप्लाई करते ही आपका इंप्रूवमेंट स्टार्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे एज लाइक थोड़ा थोड़ा मिलते स्टार्ट होगा। एज लाइक ये नहीं बताऊंगा कि आपको एक ही बार 1 लाख 2 लाख 50,000 ऐसे व्यूज़ आएंगे, तो एज लाइक इतना नहीं आने वाला। आपको मिलेंगे स्टार्टिंग में 500, 600, 1,000, 2,000, 3,000 ऐसे जो कि व्यूज़ आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे। और फाइनली मेरा भी इसी तरह मिलता है, और इस तरह से मेरा ग्रो होता चला जा रहा है। और फाइनली मैं आपको ये तीन तरीके बताने वाला हूँ जिसको अपने आप शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड करते समय, या फिर आप अपलोड कर देते हैं उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो फाइनली ये जो कि फर्स्ट अगर बात की जाए, फर्स्ट तरीका जो कि क्या करना है, अपने फर्स्ट जो कि अप्लाई करना क्या है, वो है कि आप थंबनेल, जो कि आप बहुत बताते हैं कि थंबनेल आप अपलोड मत कीजिए, आपका वीडियोज़ वायरल नहीं हुए। तो फाइनली ये बहुत गलत बोलते हैं कि थंबनेल आपको नहीं लगाई, क्योंकि आप थंबनेल लगाते हैं तो आपको जो कि चैनल्स पेज का ब्राउजर फीचर रहता है, जो कि चैनल्स पे शो करेंगे आपके वीडियोज़ को, तो वहाँ पे भी आपको थंबनेल के अकॉर्डिंग्स आपको वहाँ पे व्यूज़ मिलेंगे। और प्लस आपको शॉर्ट एल्गोरिथम से भी, आपको जो शॉर्ट वीडियोज़ का एल्गोरिथम होता है वहाँ पे भी व्यूज़ मिलेंगे, और यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल्स के पेजेस पे भी आपको जो कि व्यूज़ मिलेंगे। दोनों कंबाइन होने के बाद आपका वीडियो जो कि बूस्ट मिलता है आपके वीडियोज़ पर, ज़्यादातर वॉइस टाइम आ जाते हैं, और जिस कारण से आपके वीडियोज़ वायरल हो जाते हैं। तो इस तरह से आप थंबनेल लगाते हैं तो आप वहाँ पे आप वायरल हो सकते हैं। इसलिए आप टेक्निकल गुरुज को भी देख सकते हैं, एक ही वर्ड्स का आपको थंबनेल बनाना है, ज़्यादा अपने एक नहीं करना है। यहाँ पे एक वर्ड ऐसा लगना है जो वीडियो से रिलेटेड हो, और वह एक ऐसा सोचने पर मजबूर कर दे और इस वर्ड से क्या रिलेटेड वीडियोज मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट है तो वहाँ पे आपको लगाना है। इस तरह से अगर अप्लाई करते हैं अपने थंबनेल को, तो इस तरह से आपको जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूज मिलना इंक्रीज और व्यूज मिलना स्टार्टिंग हो जाएंगे। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वीडियोज में थंबनेल जरूर इंप्रूवमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट जो कि दूसरा अगर बात की जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर जो कि वीडियोज तो बनाते हैं लेकिन एक एवरेज ड्यूरेशन नहीं बनाते हैं। इसलिए कभी 10 सेकेंड का बना लिए, कभी 50 सेकेंड का बना लिए, कभी 40 सेकेंड का, कभी 30 सेकेंड का, जिसको देखते हैं उस तरह से अपना बनाना स्टार्ट कर देते। तो आप एक एवरेज रखिए कि मैं आपको 30 सेकेंड का बनाऊंगा तो 30 सेकेंड के अप्रॉक्सीमेटली अपना वीडियो जाएगा। आप अगर मैं अपने शॉर्ट वीडियोज़ बनाता हूँ तो मेरा 50 सेकेंड का, तो 50 सेकेंड का बनाऊंगा। इसलिए कि ये आपका वीडियोज़ वायरल वगैरह के आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन जो आपके सब्सक्राइबर्स आएंगे वो ये सोच के आएंगे कि फाइनली मैं इस चैनल्स पर जाऊँगा तो मुझे इस ड्यूरेशन का वीडियोज मिलेगा जिसको मुझे देखना पड़ेगा। तो फाइनली इस तरह से आपके सब्सक्राइबर्स को इंप्रूवमेंट अच्छा खासा आपको चैनल्स पर देखने को मिलते हैं। तो ये जो कि आपको चैनल्स पर सब्सक्राइबर, जैसे ही आप शॉर्ट वीडियोज अपलोड करें तो आपके चैनल्स पर जो कि अब जो होंगे सब्सक्राइबर्स होगा वो भी आपको वीडियोस को वॉच करेंगे। तो इस तरह से आप थंबनेल और उसके बाद वीडियो ड्यूरेशन आपको इंप्रूवमेंट करना है। तीसरा जो कि है वह आपको व्यूज़ कैसे आएंगे, फाइनली दोनों अप्लाई कर दें उसके बाद व्यूज़ की बात आती है। तो व्यूज़ आएंगे कब, जब अपना वीडियोज़ अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, अपने या फिर किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन में आपको क्या करना है, अपने चैनल्स के जो आप शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड करते हैं उस वीडियोज़ को आपको 5 से 10 बार देखना है, और 5 से 10 उस वीडियोज़ में व्यूज़ देना है, और फुल्ली वॉच करना है ताकि आपका जो कि वॉच टाइम हो उस वीडियोज़ में गेन हो और उस वीडियोज़ में वॉच टाइम मिले। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने आपके जो नए वीडियोज़ आपके पास उतना इंप्रूवमेंट नहीं होता, आपके फेसियल जो कि लोग पहचानते नहीं, जिसका आप वीडियोस को स्वाइप करते हैं 5 सेकंड 3 सेकंड ऐसे देख करके। तो फाइनली जो आपके अपने 5 से 10 व्यूज ऑलरेडी दे चुके हैं उसमें फुल्ली आपको वॉच टाइम ऐड है। अगर कोई दूसरा भी आता है और वहाँ पे 3 सेकंड या फिर 5 सेकंड ही आपका वीडियोस को वॉच करता है, तो वहाँ पे जो आपने ऑलरेडी दे चुके हैं उसमें से जो कि कंबाइन हो जाएगा और उसमें मेंटेन हो जाएगा, तो जिस कारण से आपका एवरेज जो कि ड्यूरेशन भी हो जाएंगे और उसके बाद आपका जो कि व्यूज जो कि इंक्रीजेस होने लगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपने शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के बाद आपको मैक्सिमम जो कि 5 से 10 व्यूज ऑलरेडी देना होगा। तो इस तरह से अपना करते हैं, इस तीनों चीज़ को अपना वीडियो में अप्लाई, तो आपका वीडियो जरूर वायरल होगा। और फाइनली मेरे भी प्लेलिस्ट में आपको दिया गया है शॉर्ट वीडियो, देख सकते हैं जो कि मेरा 2 से 3 हज़ार जो कि एवरेज व्यूज़ आते हैं। मैं इस चीज़ को जब से अप्लाई कर रहा हूँ तब तक जो कि मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, और मेरा यूट्यूब शॉर्ट वीडियोज़ पर जो कि इस तरह से मेरा इंप्रूवमेंट होता है और इस तरह से मेरा व्यूज़ आता है। सो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टेक्निकल से रिलेटेड जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो उसको नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आपको तुरंत सबसे पहले मिले। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।